है। इस खबर से आपने हमें जानकारी दी। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी भारत समाचार में। धन्यवाद आपको जी। ब्रजेश जी देखिए, संगीत सोम पर जितनी भी धाराएं लगी थी, जितने भी केस दर्ज थे, अब उनको वापस लेने की बात कही जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे वाक्य को? दरअसल विशेष रूप से मुझे जानकारी नहीं है, हाँ। लेकिन ये सरकार ने तय किया है कि जितने भी राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे उनको हम वापस लेंगे। और संगीत सोम जी पर विशेष रूप से कोई मुकदमा दर्ज है या कौन से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ये फाइल देख करके ही मैं बता पाऊंगा। लेकिन ये सरकार ने तय किया है कि राजनीतिक दृष्टि जो भी मुकदमे दर्ज है किसी भी दल के राजनीतिक व्यक्ति पर हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुकदमे तब के हैं जब वो सपा के साथ थे, सपा के साथ जुड़े हुए थे। अब इस सरकार में आने के बाद जो केस वापस लिए जा रहे हैं, इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। आप मेरी बात को समझिए जी। जितने भी राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे है, हाँ, किसी भी दल के राजनीतिक व्यक्ति पर है, सरकार उनको वापस लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है जी। मतलब अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जांच पड़ताल होगी ब्रजेश जी, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा क्या? दरअसल होता क्या है, जब शासन हाँ। में कोई आवेदन आता है हाँ। तो जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगते हैं जी। रिपोर्ट आने के बाद प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति है, वो उस पर विचार करती है, फिर उसके बाद शासन के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है और जो भी प्रदेश में राजनीतिक मुकदमे हैं उनको हम समाप्त करने जा रहे हैं जी। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, अगर ये जितने भी 7 मुकदमे केस वापस लेने की बात कही जा रही है, अगर ये वापस हो जाते तो ऐसे में देखिए विपक्ष भी हमलावर होगा, तो ऐसे में किस तरह से सरकार इसको अपनी बात आप इसको सत्ता विपक्ष से मत जोड़िए हाँ। हमने विपक्षियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ। सबकी सरकार है हाँ। और हमने किसी को भी इसमें अकेले नहीं छोड़ा है, जिसने भी सरकार को आवेदन किया है, और अगर वो मुकदमे राजनीतिक दर्ज पाए गए तो उनको वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने विपक्ष के लोगों के साथ जो केस है वो भी वापस लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, इस खबर से जुड़ी हमें आम जो जानकारी थी वो देने के लिए।